नाजरीन, मैं सबा नाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय महल बैंकेट एंड को स्पॉन्सर्ड क्रूव फैशन। महल बैंकेट क्रूव फैशन। आइए नाजरीन, बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। आसनसोल सरजार के मारूफ स्कूल नारायणा स्कूल में आज NSO इम्तिहान का इनाकात किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल माहिम फातिमा ने बताया कि SOF का मकसद है कि बच्चों को इम्तिहान से फायदा हो। Here in Narayana, this is the fourth successful year conducting NSO exam, which is National Science Olympiad, organized by SOF, Science Olympiad Foundation. And this exam aims at cultivating scientific reason and logical content, which has two levels of examination. And we wish all the students best of luck for this exam. दीदी के बोलो मुहिम के तहत बुध की शाम पांडेश्वर असेंबली हल्के के बांसगढ़ा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने आवाम से मुलाकात की। रात उन्होंने आदिवासी समाज के शिवनाथ टूडो के घर में गुजारी। एमएलए ने गांव वालों के साथ चौप मुढ़ी खाया। इसी दौरान मुख्तलिफ मौजू पर गांव वालों से बातचीत हुई। जितेंद्र तिवारी ने गांव वालों की शिकायतें सुनी और इन्हें जल्द हल करने का यकीन दिलाया। जिला परिषद के MIC सुजीत मुखर्जी, चुमकी मुखर्जी व दिगर इसी दौरान MLA के हमराह थे। जुमरात के सुबह INTTUC रहनुमा राजू अहलवालिया ने सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के करीब टोटो स्टैंड में टोटो की अलग अलग रूट बनाई। उन्होंने कहा कि कोशिश ये की जाएगी कि अब टोटो की तादाद में मजीद इजाफा ना हो। उन्होंने बर्दवान टोटो ड्राइवरों हमले की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी टोटो के शोरूम वालों पर आयद होती है। যদি ওরা কনভার্ট করতে চায় আমাদের দীর্ঘদিন রিক্সা চালিয়ে যে বাদ নেই উঠ রা বাদ দোনো কা বারা বাজে টোটো আনে বাজার না জি হ্যাঁ খতম আপনি হম লোক রোক রে আপ নেই তিন দিন আয়ে হ্যাঁ ইয়া পর হম লোক যে টোটো কাজ সমস্যা বহু দিন সে চল রা পুরে আসানসোল শিল্পাঞ্চল মে উসকো হম লোক সিস্টেম মে লা রে পহলি বাত হ্যাঁ যে বহু সে টোটো কে শোরুম হ্যাঁ বেআইনি রূপ সে বেকার লড়কা কো বোলে হ্যাঁ তুমি টোটো খরিদো উনকো ঠগে হ্যাঁ उनको कोई रूट नहीं दिए हैं, किस जगह में चलाना वो भी नहीं बोले हैं, वो सिर्फ गाड़ी बेचे हैं और अपना पैसा लिए हैं। आज जो लड़के बेरोजगार युवक जो है टोटो खरीद लिए हैं, उनको बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है बहुत दिन पहले से ही हम लोग चेष्टा किए थे, जिस तरह से हम लोग ऑटो का रूट किए थे, तो उस तरह से हम लोग टोटो का रूट भी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 42 रूट बना के हम लोग RTO साहब के पास में हम लोग जमा दिए हैं कि इस रूट में टोटो चलने से जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार ही मिलेगा। और इस रूट में ना बस चलता है, ना मिनी बस चलता है, ना ऑटो चलता है, इसलिए इस रूट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग प्रपोजल दिए हैं और यहाँ पर हम लोग आज देखे हैं क्या क्या समस्या है इनकी। तो जो लोग खुद से टोटो चलाते हैं, जिनका कोई रोजगार नहीं है, हम लोग उसको उनके लिए रूट की व्यवस्था करेंगे और उनका रोजगार चाहते हैं माने एकदम सेफ रहे, सही सलामत रहे, उसके लिए हम लोग जो हमारी यूनियन जो है उनके पीछे हमेशा खड़ी रहेगी। प्रथम तो हो जो दाई हो शोरूम मालिक रहा जरा सरकार अनुमति छाड़ा टोटो बिक्री कर भूल যারা বেকার ছিল তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে মিসগাইড করে ওনারা টোটো বিক্রি করেছেন। ওনার কাছে কোনো সরকারের অনুমতি ছিল নাই, ওরা খালি বলেছে তোমরা টোটো খরিদো, উনি বিক্রি করেছেন, টাকা নিয়েছেন, বেকার ছেলেকে মাঝখানে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে এদের কি দোষ, টোটো বলাদের কি দোষ? বিলকুল রোজগারের তাই এরা কি টোটো কিনেছে, কিন্তু আমরা বলেছি বারবার এই যারা টোটো চালাচ্ছে যারা বেকার ছেলে তাদের উপরে আইনি মানে তাদের উপর কোন রকম ধরপকড় করে সমাধান হবে না। যে শোরুম বিক্রি করেছে বেআইনি ভাবে তার উপরে প্রথম অ্যাকশন হোক, তাদের বিরুদ্ধে 420 প্রতারণার মামলা হোক, তারা বিদাউট সরকারের অনুমতি কি করে বেকার ছেলেদেরকে সঙ্গে প্রতারণা করেছে। নাজরীন ওয়াক্ত হো চলা হ্যায় ছোটে সে ওয়াকফে কা। जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल साउथ रेंज सोष्टी नगर नियर ASN प्ले स्कूल आसनसोल।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर रन ले अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। बीजेपी में जाने वाले तमाम तृणमूल एमएलए अब चाहते हैं कि वो लोग अब तृणमूल में दोबारा वापस आ जाएं। ज्योतिप्रियो ने आज कहा कि इस इंतखाब में अर्जुन सिंह को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। आज वजीर बराए खुराक के हाथों चेक तकसीम किए गए। जिला नाजिम चैताली चटर्जी इस मौके पर मौजूद थी। যে একটা বিপর্যয় সময় হয়েছে এবং সেই জন্য অনেকেই কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকেই ওখানে কাজ করতে যেতেন, প্রত্যেক বছরই তারা যেতেন, কিছু কিছু যারা তারা ওখানেই থাকতেন, কাজ করতেন, তারা যেহেতু কর্মচ্যুত হয়ে এসছেন সেই জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজকে ওনাদের আমাদের এই জেলার থেকে দুজন এরকম কর্মচ্যুত যারা বনগায় থাকেন তারা কমল সরকার এবং দীপঙ্কর বিশ্বাস, এই দুজনকে আমাদের 50,000 টাকা করে চেক ওনাদের এক একজনকে এটা ওনাদের হাতে একটা তুলে দিলেন আজকে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক স্যার, এবং ওনাদের যাতে কিছুটা কষ্ট লাঘব করা যায় সেই জন্য এই জিনিসটা দেওয়া হলো। এনারা শ্রীনগরে থাকতেন, কর্মসংস্থানের জন্য আমরা দেখছি কি করা যায়। প্রতিক্রিয়া এখন আমরা উপস্থিত বাড়িতে বসেই ছিলাম, আমাদের ডাক করলো, আসলাম, আমাদেরকে 50,000 টাকা করে মুখ্যমন্ত্রী দিল। এখন আমরা বাড়িতে ফেরার পরে আমাদের এটাও প্রতিশ্রুতি দিল যে আমাদের পৌরসভা হোক, পঞ্চায়েত হোক, যেখানে হোক আমাদের একটা কাজেরও ব্যবস্থা চলছে। আমরা প্লাইউডে কাজ করতাম। কাশ্মীরে কি দেখবো, আমরা যারা এখানে থাকি তারা একরকম দেখছি, আপনি আপনারা সরাসরি ছিলেন কি দেখলেন? আমরা যত বছর ধরে কাজ করছি আজ 2004 সাল থেকে এরকম কোনোদিন দৃশ্য দেখিনি। পরিস্থিতিটা যেটা যে আতঙ্কর যে একটা সৃষ্টি হয়েছিল, রাস্তাঘাট আজ বহুদিন ধরে ফোন বন্ধ, নেট বন্ধ, তারপরে সাবারি গাড়ি চলে না, রেলটা যেটা কাশ্মীরে চলে সেটাও চলছে না। আমরা আমাদের ডেকে নিয়েছে, আমরা পৌঁছে গেছি, পৌঁছানোর পরেই যখনই পৌঁছেছি তখন দেখছি যে ওখানে একই রকম হরতালের পরিস্থিতি আরও খারাপ। আর আমরা যখন এখান থেকে বেরিয়েছি তখন কোনো মরেনি মানুষ, আমরা যখন ট্রেনের মধ্যে তখন খবর হয়েছে যারা মুর্শিদাবাদের 4 জন মারা গেছে। ও সব জায়গায় করে নির্বাচন কমিশনও দেখে না, নির্বাচন কমিশনটাও যেন কেমন যেন হয়ে গেছে, নিরপেক্ষতা নেই, সবটাই ভারতবর্ষে যেন অস্থির পরিস্থিতি। 3টে সিটি হারবে, এই যে 3টে উপনির্বাচন, 3টে উপনির্বাচনই ভারতীয় জনতা পার্টি গোহারে হারবে। शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब।